पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समर पुलिस ने तांत्रिक के बहकावे में आकर जानवर के बच्चे की बलि देने वाले एक परिवार के 7 सदस्य को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि परिवार के एक सदस्य की बीमारी के चलते मौत हो जाने पर तांत्रिक के कहने पर जानवर के बच्चे की बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने तांत्रिक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया है। पूरा मामला यूपी के संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम देवरखेड़ा का है, जहां गांव के ही विकास नाम के युवक ने सतपाल और देवपाल नाम के 2 सगे भाइयों पर उसके जानवर के बच्चे की तंत्र विद्या के चलते बलि चढ़ाने के आरोप में थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सतपाल और देवपाल के अलावा तांत्रिक गेदन लाल सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनके परिवार में एक सदस्य की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने तांत्रिक गेदन लाल से संपर्क साधा। आरोप है कि तांत्रिक ने उन्हें देवी के नाराज हो और परिवार में लगातार मौत होने का डर बिठाया और इससे बचाने के लिए जानवर के बच्चे की बलि चढ़ाने की बात कही, जिसके बाद आरोपी तांत्रिक के बहकावे में आ गए और पास के ही शमशान घाट में जानवर के बच्चे की बलि चढ़ा दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं और तांत्रिक सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया है, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। विकास नाम का व्यक्ति था जिसका सुअर जो है कहीं खेत में चुगने गया था, जो गायब हो गया, जिस पर उसने तहरीर दी। बाद में इसमें जो है एक शमशान पे खून के निशान और कपड़े अपड़े आदमी पुलिस को मिले, तो ये संदेह था कि इसमें किसी ने मतलब इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं मतलब यहाँ पर जो होती हैं उसमें इस तरह की कोई तंत्र क्रिया हुई है। तो इसमें पूरी पुलिस ने पूरी तफ्तीश की, तो ये पता चला कि एक ये परिवार है सतपाल का, जिसके यहाँ कोई बीमारी की वजह से इन लोगों ने तांत्रिक सतपाल के माध्यम से उसकी सुअर की बलि दी। इसमें अंतर्गत धारा 389-429 इन 5 लोगों के अभियुक्त विरुद्ध जो है 7 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है।